नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार विधानसभा में जिस तरीके से कल शराब की बोतल मिली उसके बाद सियासत काफ़ी तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से इस पर कड़ा प्रहार करते हुए जवाब मांगा था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कुछ लोगों ने इसे राजद की साजिश बताई, जिसके बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के एमएलसी है नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर इनकी जानकारी उसको थी तो इसकी जानकारी क्या उन्होंने आयुक्त को दी, मुख्यमंत्री को दी, और के पाठक ने जो नंबर जारी किया है क्या उस नंबर पर इन्होंने कोई जानकारी दी? उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है और सीधे तौर पर सदन के भीतर बस सिर्फ सियासत कर रहे हैं और इस बात को सदन पर रख रहे हैं। नीरज कुमार ने जबरदस्त हमला करते हुए तेजस्वी यादव पर क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। आप ही लोग पता लगा लीजिए, हम नहीं जानते पूरा, हमको तथ्यगत नहीं कि वर्ष में कितना दिन प्रवास बिहार में करते हैं। अरे तो नन रेजिडेंट बिहारी है ना, ये तो बिहार से बाहर ज़्यादा रहते हैं। तो शराबबंदी सबका संकल्प है, इसको पूरा करना सामाजिक हित में है। जो शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण विषय में अपना राजनीतिक हित खोजेगा, वह समाज के 50% जो आबादी महिलाओं की है, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, उनका नज़र कड़ा है कि कौन कौन बोल रहा है शराबबंदी फेल है, शराबबंदी नियंत्रित हो या आकांक्षा है। जो फेल बोलिएगा उसको राजनीति में हलंत लगना तय है। बीजेपी सर एक सवाल है कि मुजफ्फरपुर में जिस माननीय मुख्यमंत्री इस देश के ऐसे राजनेता हैं ना जो जनता से सीधा संवाद करते हैं, बहुत लोग भी यात्रा किए हैं बिहार में, तब बीचे में हलंत लग जाता है छुट्टी, तो बहुत लोग को मान लीजिए दाखिल खारिज कराना पड़ता है, जमीन उमीन का सब अपडेट डील उल करना पड़ता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो 4 डिग्री टेम्परेचर में इस बिहार में घूमे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम होगा अधिसूचित होगा, लेकिन जनता से संवाद यही उनकी मूल पूंजी रही और वही कारण है कि आज लोक शिकायत निवारण का अधिनियम हो या लोक सेवा कानून हो या विभिन्न कानून हो, जो तंत्र को ठीक किए जाने की चुनौती उन्हीं यात्राओं से जानकारी मिलती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्वाभाविक रूप से हर वर्ष का कोविड में भले ही नहीं घूम पा रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की तो यही पूंजी है और उस पूंजी को तो आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी की जो तस्वीर आई थी शराब की बोतल ढूंढते हुए, उस पर विपक्ष ने कड़ा प्रहार किया आप लोग पर, कहा कि डीजीपी अगर बोतल ढूंढेंगे तो पुलिस अपराधियों को कैसे ढूंढ के लाए, तो नाम बतेवे नहीं करेंगे, नाम बोलने में उनको डरे लग रहा है कि कौन हमको बताया, ऐसा डरपोक का विपक्ष का नेता होगा? अरे कौन आदमी ने आपको बताया ये बताइए, और आपने टोल फ्री नंबर का क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आप टोल फ्री नंबर जारी है ना, अब माननीय के पाठक जी को फ़ोन कर अपना नंबर जारी किए हैं तो डर लगता है फ़ोन करने में, तो फ़ोन भी करना चाहिए था। सदन के सभापति को चेयरमैन को नहीं बताया, सीधे सदन के अंदर बता रहे, तो सदन के अंदर बताने पर सरकार ने संज्ञान में लिया और सरकार उसकी तत्क्षण कार्रवाई कर रही है। अब ये तो है ना, आपके राज में खैनी बनवा के खिलाते थे, खिलाना पर IAS IPS के साथ व्यवहार करते थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जब निर्देश होता है तो DGP से चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे के पुलिस कर्मी तक के सब प्रशासनिक तंत्र में लग गए इस काम में, इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए।